हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और सनराइज हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, मैंने तो पहन लिया स्वेटर। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी मतलब पहले नवरात्रि की जो पूजा थी वो हो चुकी है, एकदम डन। और मैंने बनाई है माता रानी, पहले एक थाली में रखे मैंने चावल, फिर एक जो मेरा मतलब लोटा है, तांबे का लोटा है, उसमें रखा मैंने पानी, फिर उसमें आम के पत्ते हैं, और फिर उसमें नारियल, नारियल को चुन्नी उड़ाई है, और फिर उसे माता रानी बनाया है। और अब मैं 9 दिन तक माता रानी की पूजा करूँगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 15 अक्टूबर और आज से शुरू है नवरात्रि। तो आप सभी लोगों को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 या 16 दिन से हमारे श्राद्ध चल रहे थे। कल जो है 14 तारीख को पितृपक्ष समाप्त हो चुका है और आज से 9 दिन तक नवरात्रि होंगी और माता रानी की पूजा होगी। मैं आशा करती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और घर से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मेरी बहन रास्ते में मेरा सूट कर रही है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। और अब आगे जाके आपसे मिलते हैं मंदिर में। मंदिर को जाते समय हमको मिल गए थे, हमारे पड़ोस में चाचा हैं, तो हम चाचा के साथ बाइक में चले गए थे। हम तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। तो हम सीढ़ियों में चलने लगे हैं। अब हमने अपनी छोटी सी यात्रा शुरू कर दी है, मैंने और मेरी बहन ने। हम दोनों चल पड़े हैं अपने रास्ते। कुछ सीढ़ियां बची है, कम कितनी सीढ़ियां होंगी, लगभग 50 तो होंगी होंगी, 50 सीढ़ियां होंगी ज्यादा से ज्यादा। आए खड़ी खड़े सामान। तो ये जो हमारा ललिता माता का मंदिर है, ये एक मतलब पहाड़ी पे स्थित है, नीचे से मतलब इसीलिए सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर को जाने के लिए। पहाड़ी पे स्थित है और चारों तरफ से जंगल है घना एकदम। तो गाइज, वहां पे मंदिर में हमें बंदरों ने इतना परेशान किया, हमें पूजा नहीं करनी थी। देख लीजिए गाइज आप, वो बंदर कैसे कर रहा है वहां पे, चिंपांजी की तरह एक्टिंग कर रहा है। बंदर नहीं मतलब लंगूर है वो, और बंदर भी थे लंगूर भी थे, मतलब उन्होंने हमें इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि पूजा भी नहीं करनी थी, बहुत मुश्किल हुई। इसलिए मैं वहां पे ज्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे लग रहा है टेंट, यहाँ पे हो रही है रामलीला की प्रिपरेशन, और आज रात से ही रामलीला स्टार्ट है हमारे गांव में। हम लोग आ चुके हैं मंदिर से पूजा वूजा करके, और हमने लगा लिया है लंबा चौड़ा पिठिया पुजारनों की तरह। अब घर जाके अपना काम स्टार्ट हम दोनों का है आज फास्ट। देखते हैं कि हम 9 के 9 फास्ट रख पाते हैं या नहीं रख पाते। गाइस, मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पे अपने कपड़े धोले थे, और मैं अब इन कपड़ों को सुखा रही हूँ, क्योंकि आजकल जो अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है और धूप ज़्यादा देर तक नहीं रह रही है, और कपड़े अच्छे से भी सूख नहीं पा रहे। तो इधर हमारे चाचा उनके मकान के लेंटर पड़ने की तैयारी हो रही है, कल को लेंटर पड़ जाएगा। तो सरिया से जाल बिछाए जा रहे हैं।
दोस्तों हम दोनों आ चुके हैं मंदिर से और घर आके थोड़ा कम हुए फोन से, फोटो खींच ली हैं और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों को फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।